हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ रोहतक की तिलियार झील दिखाने। यह झील हरियाणा राज्य के रोहतक ज़िले में स्थित है और भारत की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस झील से रिलेटेड पूरी जानकारी दूँगा। एक बात और दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि झील के बाहर लिखा भी हुआ है यहाँ पर क्या टाइमिंग है, यहाँ पर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो। ये झील सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहती है। अब मैं अंदर जाऊँगा, अंदर से आपको इस झील का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, जो आप सामने देख रहे हो नीले नीले कलर के फाउंडेशन हैं दोस्तों, ये फवारे हैं। नाइट में यहाँ फवारे चलते हैं। अगर आप नाइट को या शाम को यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा हो जाता है, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ का दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, ये फवारे हैं। और दोस्तों यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई हैं, तो नाइट में फवारों के कलर चेंज होते हैं, ब्लू रेड, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सीटिंग एरिया भी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठ के जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर बैठकर वो इस फवारे का नज़ारा देखते हैं। और मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखिए बीच में झील के बीचों बीच में एक आइलैंड भी है। ये देखिए यहाँ कैफ़े है, यहाँ पर आप नाश्ता टी वगैरह पी सकते हो। इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हो, उन सब बोटिंग के अलग अलग चार्ज हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पैडल बोट का 200 रुपये 30 मिनट के लिए दो लोगों के लिए, रोइंग बोट 400 रुपये। हर बोट के अलग अलग प्राइस हैं यहाँ पे दोस्तों। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ से बोट मिलेंगी, यहाँ पर बोट में बैठकर आप पूरी झील का नज़ारा देख सकते हो इन बोट से। ये देखिए यहाँ पर आप अलग अलग तरह के पक्षी भी देख सकते हैं। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप अपने बच्चों फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। यह झील रोहतक रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रोहतक बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सामने देख रहे हो ये पुल है, यहाँ पर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत ही शानदार पिक आती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। इस पुल पर ज़रूर चढ़ें आप। इस झील के चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। भाइयों, कभी भी रोहतक आप आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर झील के चारों तरफ बैठने और खेलने के लिए हरे भरे गार्डन हैं। इस झील के साथ में ही एक चिड़ियाघर भी है, आप कभी भी यहाँ पे घूमने आएँ तो चिड़ियाघर भी ज़रूर घूमें। उस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड भी कर दूँगा। भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय और धन्यवाद।